नमस्कार। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको गॉस प्रमेय पढ़ाई, गॉस प्रमेय से संबंधित मैंने सूत्र बताया और उसका एक अनुप्रयोग कराया। तो कल मैंने जो मैंने आपको सूत्र बताए थे उससे संबंधित आज हम संख्यात्मक प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले उन सूत्रों को लिख लेते हैं। एक सूत्र बताया था फाई ई वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू सिग्मा क्यू। एक तो ये सूत्र बताया था, दूसरा ये बताया था अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दो सूत्र बताए थे। इन दोनों सूत्रों से संबंधित हम प्रश्न आज करते हैं। पहला प्रश्न है, एक न्यूमेरिकल है, एक घन के केंद्र पर 17.7 पिको कूलाम का आवेश रखा। इसके प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। अब देखिए, किसी घन में कितने कोने होते हैं? 6। गॉस प्रमेय हमें क्या देती है? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, एक इधर 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 एक इधर, यहां पर कोई आवेश रखा है। देखिए, गॉस प्रमेय से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स फाइव बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू हो गया 1/8.85 × −12 इंटू 17.7 इंटू 10^-12। इसे कैंसिल कर देंगे और ये इससे कट जाएगा 2 बार, ये आ गया 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, तो एक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई डैश इक्वल 1/6 इंटू फाई ई, ये हो गया 1/6 इंटू 2, ये 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये हमारा आंसर हो गया, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन आया इस वाले फॉर्मूले पे। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं, इसको देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, एक सीधे
अनंत लंबाई की चालक के कारण दो सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9×10^9 न्यूटन प्रति कूलम्ब तो है। रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करें। देखिए संख्यात्मक प्रश्न करते समय पहले तो हमें ये देखना होता है क्या क्या मान दिए हुए हैं। प्रश्न को पढ़ के हम ये देखते हैं मान क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए इसमें एक तो आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये ई दिया हुआ है 9×10^9 न्यूटन प्रति कूलम्ब और आपको लैम्ब्डा ज्ञात करना। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो देखिए ये सूत्र लगेगा ई इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है 1/4 πε0 × 2λ/r, ये हो गया 9×10^9 × 2λ/2 × 10^-2। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू आया 10^-2 कूलम्ब प्रति मीटर। देखिए यहाँ पर तीन राशियां हैं, एक तो है ई, एक है आर और एक है लैम्ब्डा। कभी ये दोनों चीजें दी जाती है तो ये निकाल पूछा जाता है, कभी ये और ये दिया जाता है तो ये पूछा जाता है, जैसा कि इस प्रश्न में है। कभी कभी ये और ये दिया जाता है तो ये पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आप उस शीट में बहुत सारे मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को आप करने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताएं। अब मैं आपको अगला इसका अनुप्रयोग बताता हूँ, गॉस प्रमेय का अगला अनुप्रयोग। किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी ये दूसरा अनुप्रयोग है, किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हमने पहले भी निकाला हुआ है, लेकिन वो हमने कैसे निकाला है, गॉस प्रमेय से। वो हमने निकाला है गॉस प्रमेय से नहीं, वो हमने निकाला है आपका कूलाम के नियम से, और ये रिजल्ट निकल के आया था E इज इक्वल टू 1/4 πε0 × V/r2। लेकिन इसी रिजल्ट को अब हम गॉस प्रमेय से निकालेंगे। देखिए गॉस प्रमेय से कैसे निकालेंगे, ये कोई एक स्थिर आवेश है और इसके कारण ये बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि ये धनात्मक आवेश है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हटती हुई होगी।
अब हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं, इसको हम कहेंगे गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें हम गॉस के नियम को अप्लाई करेंगे। ये जो है गोलाकार गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ और इसकी त्रिज्या अब देखिए गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, इजिकल टू 1/0 पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण आवेश, यहां पर एक ही आवेश दिया है, बहुत सारे आवेश तो उनका योग कर लेते हैं, तो ये होगा E इंटू परिच्छेद क्षेत्रफल बराबर 1/0 इंटू क्यू। अब A का मान कितना होगा, A बराबर हो यहां पे होगा 4πr² इसको रख देते हैं यहाँ पे 4πr² इज इक्वल टू 1/0 इंटू क्यू, तो ये रिजल्ट निकल के आएगा 1/0 इंटू क्यू अपॉन 4πr² और E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ये वही रिजल्ट निकल के आ गया जो आपने पहले पढ़ रखा था। तो इस तरह से इसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय से हमने इसको ज्ञात कर लिया। देखिए आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, कल हम इसके जो अनुप्रयोग कराएंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसको आप जरूर पढ़िए और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।